चलो चेक चेक, ठीक है, चलो जी, चलो जी। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। पीकू एक लड़की है, रोमांटिक भी है, कभी कभी परेशान भी है, मल्टीटास्कर है, हाफ डॉक्टर भी है, बच्चों को बहुत प्यार करती है। बस हो गया और क्या बहुत कुछ करती है और भी, बाकी फिल्मों में दिखाएंगे। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। आई नो माई सिस्टर बेटर और यू। ये टाइटल है, ये मेरा और जूही, हम दोनों ने डिस्कस करके पीकू नाम दिया। पीकू बंगाली में डार्क नाम होता है, लाइक ए पेट नेम। That's how we thought, why not name the film Piku? Piku की दुनिया आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। You know वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी को मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करोगे? माथा खराब नहीं है। कहानी यही है कि when he came to offer me the film, he just narrated one scene to me और मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी मैंने हाँ कर दिया। मुझे लग रहा था कि after the first एक दो मीटिंग के बाद, पढ़ने के बाद, इनको भी दिखने लगा था फिल्म। की फिल्म है क्या चीज ही ऐसा कि अगर दिख जाए ना फिल्म, अच्छा पूरा हाँ अब दिख रहा है, तो माइंड क्लैरिटी हो जाता है। बट टू मी ही सीम्ड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म दैट ही वाज मेकिंग, एंड दैट्स ऑल एन एक्टर वांट्स, यू नो, यू वांट टू बी इन द हैंड्स ऑफ समवन वेयर यू कैन जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एंड ही विल टेक चार्ज, एंड आई थिंक ही डिड दैट। मेरे जो राइटर हैं जूही को, मैंने पहले ही बोल दिया था कि दीपिका के लिए एकदम कैरेक्टर वैसे, क्योंकि थोड़ी सी बंगाली चाहिए थी, जिनकी थोड़ी सी बड़ी आंखें हैं। मैंने इनके कुछ एक दो फिल्म देखा था पहले का, जिसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे झलक आ गया था, तो मैं श्योर था। एंड विद इरफान और मिस्टर बच्चन, उनके और कोई सोचा ही नहीं था, हमने वही थे हमारे माइंड में। When you see the film, you'll realize that I can't talk about myself, but I couldn't see anybody else in place of Amitji's part, and I think he's done it beautifully. In fact, if I may say, even better than what was in the script. Yes, yes. एक दूसरे लेवल पे लेके गए हैं। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं? There's always a fine line between being convincing and being caricaturish. I think he's managed to do that so beautifully, where he's kept the comic element within his character without being funny, but at the same time making it real and relatable. I think I consider myself very fortunate to, you know, to be working with Amit ji and with Irfan for the first time, and no jitters at all. In fact, we had a wonderful experience. I think we had a lot of fun working on this film. अरे दादा, ये किसने दादा की दादा की, अरे तो क्या बोलूं आपको मैं, आप नहीं बात को मेरा क्या। आई विल नॉट हियर। वी आर मैड पीपल, वी आर मेकिंग ए मैड। ये माहौल बहुत ही खूबसूरत सा बना है, अगर आप देखेंगे फिल्म, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये शूटिंग हो रही है या कोई शूट किया हुआ फिल्म देख रहे हैं। आपको लगेगा नहीं, आप सडनली किसी घर पे घुस गए हैं और वहाँ पे एक पीकू जैसी लड़की है और एक बच्चन साहब जैसे बाबा हैं, और इन दोनों परिवार में कुछ इनकी रोजमर्रा की बातें चल रही हैं। सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट, देन 2 डेज ऑफ गैस एंड कॉन्स्टिपेशन, व्हाट शुड आई डू? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? See, I think the Bengali part is just a slight nuance to the character, but I think she's relatable to every Indian woman. She's born in Calcutta, brought up in Delhi. She's in a job because of which she travels also a lot. There's various influences that Piku has. It's not unique, it's not one-dimensional. And so I think that's what makes Piku a very, very relatable character. I think every Indian girl will identify with Piku. हाँ तेरी मेहरबानी है, थोड़ी सी उम्मीदों से आगे ऐसी कहानी है। बट पीकू जैसे अगर कैरेक्टर, जैसे इन्होंने बोला कि बहुत ही यूनिवर्सल है, आप जब फिल्म देखेंगे आप में भी कहीं ना कहीं पीकू मिल जाएगा, मैं इतना गारंटी बता सकता हूँ। वैसे ही कोई भी देख रहा हो, इवन द बॉय और अ गर्ल, और थोड़ा बहुत आपको मिस्टर बच्चन का भी मिल जाएगा, बाबा का भी कुछ मिल जाएगा।
तो सबके कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, रिलेटेबल है, हर परिवार में होता है और यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। सो ऐसी ऐसी बातें जो रोज करते हैं और इतना टेंशन हो जाता है हम लोगों को, और थोड़ी देर बाद अगर उसी कॉन्वर्सेशन में आप सोचेंगे, आप हंसेंगे उसी कॉन्वर्सेशन में, यार हम लोग क्यों कर रहे थे ऐसा। I don't think we can say shooting, how was the experience of shooting the songs, because unlike other films, there's no lip sync song in the film. They're all very, very situational. They enhance the film, they enhance the scenes, but it's not like in other films where you see a song and dance. Story move karta rehta hai gaane ke saath. Yeah, it takes the story. Background score ki tarah use kiya hai. Anupam Roy, music director hai. So overall, bahut hi melodious, soulful, breathing. Easy to your ears. कि इसको आपकी फिल्म को अगर निकाल दें, फिल्म के अलावा भी ये गाना सुन सकते हैं। I was just going to say that. Yeah. That they are not those short-term types that become, you know, like you can listen to for 1-2 months and then you forget about it. Huh? The film, other than, you know, like we said about the music, the film is soulful. It's relatable. It's about these different quirky characters coming together, their life, their interaction, their journey. You know, it's a little bit of everything. And every household in this country is going to identify with what Bhaskar and Piku and Rana go through. Basically, मैं चाहता हूँ कि सब जाएं देखें आप लोग. Family entertainer है. मजा बहुत आएगा इतना मैं बोल सकता हूँ. Family comedy drama. Family comedy drama, whatever term it is, जो बोला है, मजा बहुत आएगा इतना मालूम है. And आपके जिंदगी के काफी सारे मोमेंट्स आपको रिलेट कर लेंगे इसके साथ. रुक के भी चल पड़े मगर रस्ते